हेलो फ्रेंड, नमस्कार और आदाब दोस्तों। सभी पल्स निवेशक साथियों का एक बार फिर से हमारे स्ट्रीम्स चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि कल हमारी सेवी विभाग से बात हुई थी, संडे का दिन था और फुर्सत से हमने उनसे बात की। जो भी बात की उसकी हमने वीडियो क्लिक आप तक पहुँचा दी थी। दोस्तों, अगर वो क्लिक आपने अभी तक नहीं देखी हो तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ इस वीडियो के माध्यम से कि कल हमारी सेवी विभाग के नोडल अधिकारी से क्या बात हुई और क्या हमने उनसे अपनी शिकायत रखी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हमारा अनुरोध है कि आप वीडियो पर बने रहें ताकि आपको पता चल सके कि आपके जो बॉन्ड ऑफिस में जमा है उनके लिए अपडेट सेवी विभाग ने अभी तक क्यों नहीं दी। ऐसी ही कुछ प्रश्न हमने उनसे किए और उनका जवाब हमने उनसे मांगा जो वीडियो में मौजूद है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमारे इस प्रश्न पर उन्होंने जो जवाब दिया वो ये कहा कि उन्होंने सीधा पूछा, आपने डॉक्यूमेंट जमा किए हैं? तो हमने कहा, सर डॉक्यूमेंट हम कहाँ से जमा करते जब हमारे ऑलरेडी पहले ही ऑफिस में डॉक्यूमेंट जमा है, बॉन्ड वगैरह सब वहाँ सबमिट हैं और एक पावंती हमें मिली हुई है जो मात्र एक सबूत है हमारे पास। तो पूरी बात सुनने के बाद उन्होंने हमसे कहा कि आपका मैटर बहुत जल्द सुलझने वाला है और आपके लिए भी कोई अच्छी अपडेट हम बहुत जल्द ही आपको पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, कुछ ऐसे आश्वासन देने के बाद उन्होंने कहा कि हमने 5,000 वालों की प्रक्रिया वालों का प्रोसीजर, हमने कहा सर ये सब हमें पता है और हम जानते हैं, इसके मेन बात हम आपसे पूछना चाहते हैं। आपने जो प्रोसीजर चालू किया कि हमने 5,000 वालों निवेशकों का 2,77,544 निवेशकों को पैसा लौटा दिया, तो हमने उनसे पूछा कि सर आपने एक ये मौखिक दलील हमें दी और इसका हमें पुख्ता सबूत आपने अपनी किसी वेबसाइट पर नहीं दिया कि हमने 2,00,000 निवेशकों के से ज़्यादा के जो पैसे दिए हैं उनकी लिस्ट हमने अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी है ताकि निवेशक फुर्सत से अपने लिस्ट में जान सके और देख सके कि हमें मिला है कि नहीं मिला। क्योंकि अधिकतर हमने उनकी बात पूरी नहीं करने दी, अपनी बात को पहले रखा और हमने कहा कि हमारे क्षेत्र के अधिकतर निवेशकों के बॉन्ड ऑलरेडी पहले ही ऑफिस में जमा है। जिन निवेशकों के बॉन्ड ऑफिस में जमा है ना, तो उनके लिए कोई अपडेट आपके पास आई और जो आप कह रहे हैं कि 5,000 वालों का पैसा दे दिया, तो सर हमारे क्षेत्र में अभी तक किसी को पैसा नहीं मिला। तो आपके इस मौखिक बयान से हमें ऐसा लगता है कि हमें कहीं ना कहीं आप लोग गुमराह कर रहे हो, क्योंकि सेवी विभाग की तरफ से केवल अपनी बात को रखा जाता है। निवेशक के लिए जो उसने अपने बॉन्ड सबमिट कराया उसके लिए कोई पारदर्शिता आपकी वेबसाइट पर नहीं दिखती। अगर 2,77,544 निवेशकों के आपने पैसे दे दिए हैं तो उन निवेशकों के पैसे का एक सार्वजनिक तौर से लिस्ट होनी चाहिए थी ताकि हर एक निवेशक अपने जो बॉन्ड जिन्होंने सबमिट किए हैं 5,000 वाली प्रक्रिया के लिए, तो उन्हें पता चल सके कि हमारे पैसे से विभाग से चल दिए हैं, मिले हैं या नहीं मिले। अगर नहीं मिले हैं तो उसके लिए जो आपने कहा था कि जिनकी बॉन्ड सबमिट करते में कुछ गलतियां हो गई हैं, उनके कैप्चे गलत भरे गए हैं, तो उनके उन लोगों को पता चल जाता उस लिस्ट के आधार पर कि हमारे गलत बॉन्ड भरे गए होंगे या हमारे गलत फार्म भरे गए होंगे जिस आधार पर इस लिस्ट में हमारा नाम नहीं है। तो दोस्तों, वहां पर हमारा कहने का मतलब ये है कि वहां पर गुमराह करने का एक ढांचा जो सेवी विभाग ने तैयार किया है वो यही है कि सार्वजनिक तौर पर कोई भी निवेशक के पैसे देने का वहाँ पर नाम की लिस्ट नहीं है। और दोस्तों, यूँ तो यूट्यूब पर एक मनोरंजन चैनल है ये यूट्यूब, और उन पर कितना भी झूठ बोल दो वो सब हजम है, उसमें कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो दोस्तों, हम आपको अंधेरे में नहीं रखते कि 50,00,000 या 1,00,000 वालों का पेमेंट हो गया, ये रही लिस्ट। ऐसी कोई लिस्ट अगर जारी हो जाए तो दोस्तों फिर निवेशकों का पैसा मिलना बहुत आसान है, क्योंकि लिस्ट का सेवी विभाग को देना बहुत ज़रूरी है। अगर सेवी विभाग लिस्ट नहीं देता तो दोस्तों हमारे
कहना तो नहीं चाहिए, साफ कहने में कोई जाता नहीं है, क्योंकि इसमें साफ नजर आता है कहीं ना कहीं निवेशकों का 49,000 करोड़ रुपए की जो लूट है, उस लूट में कुछ ऐसा डिजाइन तैयार किया गया है सेवी विभाग की तरफ से, सेवी विभाग के प्रमुख की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात सिन्हा साहब की कर रहे हैं कि सिन्हा साहब जो सेवी विभाग के प्रमुख है, उनकी तरफ से कुछ डिजाइन तैयार किया गया और उसके हिसाब से ये एक बहुत बड़ा फ्लॉड होगा जो सरकारी स्तर पर होगा और गरीब निवेशकों का खून चूस लिया गया, ऐसे एक डिजाइन तैयार किया गया दोस्तों। तो हम बात कर रहे थे आपसे कि हमने उनसे कुछ इसी तरह की प्रश्न किए जिनका जवाब उनसे नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि दोस्तों उनकी इस प्रक्रिया में बहुत गोलमाल है और इसमें षड्यंत्र की बू लगती है और इसमें गरीब निवेशक ही फंस रहा है। सरकार अगर चाहती तो पैसे देने की ऑनलाइन प्रक्रिया को बहुत सरल बना सकती थी, हर एक निवेशक के पास उसके अपने पैसे मिलने ना मिलने का पूरा डेटा उसमें मिल जाता कि आपके बॉन्ड में ये कमी पाई गई है, उसके मोबाइल पर सूचना आती, ये आप सही कर लो, या कुछ भी ऐसा किया जा सकता था। क्योंकि ऑनलाइन प्रोसीजर एक ऐसी सरल प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हर एक निवेशक को पैसा मिल सकता था, लेकिन डिजाइन इस तरीके से तैयार किया गया है सेवी विभाग के सेना जी ने, सेवी विभाग से होती है आपके सम्मुख रखते हैं। तो दोस्तों फिर कुछ अच्छा लेकर आपके सामने आने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।